सारे समूह की भर्ती खा भर्ती का भर्ती जो हमने शुरू करिए रेलवे की जी हाँ रेलवे बताइए ना रेलवे क्या करिए क्या क्या प्राइवेट है उन्होंने ट्रेन बेचा था ट्रेन बेचा स्टेशन बेचा किसको बेचा अडानी को क्यों बेचा क्यों बेचा सरकार को मुनाफा मिलेगा उससे सरकार का राजस्व है सरकार मुनाफा कमाएगी सरकार देश के 900 कार्यालय आप कौन सा 900 कार्यालय है आप कौन सा मॉडल बनाना चाह रहे हैं मुझे बताइए जैसे जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं इस मंच का जो खर्चा होगा वो हमारी कंपनी को वहन करना पड़ेगा ठीक है तो ये सिस्टम है कि सरकार ने रेल चलाएगी लोगों को सुविधा देगी कि आप जाइए तो अपने लिए कुछ साधन ढूंढेंगे ये कांग्रेस ने क्यों नहीं बेचा जनता पार्टी ने क्यों नहीं बेचा जनता दल ने क्यों नहीं बेचा ये भारतीय जनता पार्टी ही क्यों बेच रही है ठीक कुछ मूल सवाल अभी बाकी है एक तो ये कि क्या माफियाओं को टिकट देने का मन बना रहे क्योंकि आपकी जेल में मुलाकात आप सवाल हमसे कर रहे हैं हम आपसे सवाल कर रहे हैं एमएलसी ब्रजेश सिंह किस पार्टी से हैं भारतीय जनता पार्टी से संगीत सोम किस पार्टी से हैं भारतीय जनता पार्टी से सुरेश राणा किस पार्टी से हैं भारतीय जनता पार्टी से वो तो साधु बाबा है हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी जिस दिन शपथ लिए इनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे डिप्टी सीएम उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे कितने ये मुकदमे वापस थे कई बार कितनी दिलचस्प बातें करते हैं बड़ा अच्छा लगता है इन्हीं योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे नहीं लड़ रहे थे केशव कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो आप अगर अपराधी थे तो क्यों दिल लड़ रहे थे भैया मेरे अभी बताइए देखिए कभी कभी उसको साफ करने जो आरोप लगाते थे कि 27% आरक्षण कुछ जाति लूट रहे क्या कर रहे हैं इनको तो कानून बनाना चाहिए ना जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहिए ना ये क्यों नहीं लागू किए क्या इसके अच्छा जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देंगे जी है इनके पास जवाब कोई मैं मेरे पास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का और 3 साल से रखी की टोकरी में रखी नहीं लागू किया इन लोगों ने जी जब हिस्सा देने की बात आती तो लाठी बरसाते हैं जी घर से निकाल देते खबरदार तुम्हारी जरूरत नहीं जी ये चीज हम नहीं बर्दाश्त करते मैं आपके साथ गया था और जहां तक सवाल टिकट का है देखते जाइए खेल हरी खेल देखिए ओम प्रकाश राजभर आपके चक्कर में जनता पार्टी जी। आज अखिलेश यादव जी के साथ हूँ पुरानी पेंशन बहाल 300 यूनिट बिजली फ्री जातिवार जनगणना घरेलू बिजली का निर्माण एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा आपके चक्कर में अखिलेश यादव जी का खेल तो नहीं हो जाएगा देखिएगा है लखनऊ आते आते चौथे चरण में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है इधर आया ठीक है अंतिम सवाल ये मायावती जी ने कहा था कि देखिए वोट शिफ्ट नहीं हुआ है पिछली बार एक बड़ा जातिगत लोकसभा में समीकरण बनाया था अखिलेश यादव जी ने आपका पूरा वोट इधर उधर शिफ्ट हो रहा है ये राजभर जी ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज है और सबसे ज्यादा राजभर से कोई परेशान है तो भाजपा परेशान भाजपा के लोग समुद्र को तालाब समझ गए और जब समुद्र ने उफान लिया है अखिलेश यादव जयंत हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी राम सागर भीम हमारे किशरा पटेल संजय चौहान ये हम सब लोग मिल करके जब उफान लिए हैं ठीक तब परेशानी बढ़ गई है ठीक है तो ये उफान कितना ऊपर और उठता है और क्या मौजूदा सरकार को डुबा ले जाता है या उनके शांत हो जाते हैं ये देखिए आपको बता रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है ओम प्रकाश राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य धारा चौहान धर्म सिंह सैनी ये टीम रही बसपा में तो बसपा की सरकार एक टीम गई भाजपा में तो भाजपा की सरकार एक टीम आई है सपा के साथ तो सपा की सरकार बार बार दल बदलेंगे इधर उधर लोग जाएंगे तो जनता समझती नहीं है क्या कि आप अपने लाभ के लिए जा रहे हैं नहीं हम अपने मुद्दे पर अड़ी अपने मुद्दे पर अड़ी हैं एक इंच भी पीछे नहीं हूँ ठीक है यानी एक बहाना और है कि अगर ये सरकार बनी इसने काम नहीं किया तो फिर देखेंगे अपने सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी आपने विभाग की से ईमानदारी से अपनी बात रखी बहुत बहुत शुक्रिया
मैंने सेशन के शुरुआत में कहा था कि अभी आप तालियां बजाएं ना बजाएं, लेकिन सेशन के बीच में आप खुद तालियां बजाएंगे।